आप सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्रि के सातवें दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयकारा महामाई का, बोल साचे दरबार की जय। ओम देवी काल रात्रे नमः। नवरात्रि के सातवें दिन दुर्गा माँ के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। यहाँ पर काल का अर्थ मृत्यु से है, जबकि रात्रि का अर्थ अंधकार अथवा अज्ञानता से है। अतः माँ कालरात्रि अंधकार की मृत्यु लाती हैं तथा अज्ञानता का नाश करती हैं। कालरात्रि माँ को कालिका देवी अर्थात काली माता के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा माँ का कालरात्रि रूप सबसे भयंकर रूप है। कालरात्रि रूप में उनका रंग गहरा है, गले में विद्युत की माला है और बाल बिखरे हुए हैं। उनका हार रात में चंद्रमा की तरह चमकता है। माँ कालरात्रि के चार हाथ हैं और उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिससे वह भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वह सबकी रक्षा करती हैं। तीसरे हाथ में उन्होंने वज्र पकड़ा हुआ है तथा चौथे हाथ में नुकीला कांटा है। उनकी तीन आँखें हैं और जब वह सांस लेती हैं तो उनकी नाक से लपटें निकलती हैं। कालरात्रि माँ की सवारी गधा है। माँ कालरात्रि को शुभांकरी देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। कालरात्रि माँ बहुत ही दयालु हैं। वह अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जिस व्यक्ति का अपने क्रोध पर वश ना हो, वह माँ कालरात्रि की पूजा करके अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि का सातवां दिन तांत्रिक साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन तंत्र साधना करने वाले साधक आधी रात में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन माँ की आंखें खुलती हैं। कुंडलिनी जागरण के लिए जो साधक साधना में लगे होते हैं, वह महासप्तमी के दिन सहस्त्र सार चक्र का भेदन करते हैं। सहस्त्र सार चक्र सिर के शिखर पर स्थित होता है। इस चक्र में एक महत्वपूर्ण मेधा शक्ति है, जो मस्तिष्क की प्रक्रियाओं जैसे स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करती है। माँ कालरात्रि के इस भयंकर रूप के पीछे कुछ रोचक कहानियां हैं। आइए शुरू करते हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय कालरात्रि देव्ये नमः। प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा अपमानित करके निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमें वरदान दिया था कि मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर्वत पर चले गए और देवी भगवती की स्तुति करने लगे। जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती माँ गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिव देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। तब पार्वती के शरीर से अंबिका निकली और पार्वती ने अंबिका को दैत्यों के संहार के लिए भेजा। युद्ध के मैदान में शुंभ और निशुंभ ने दो राक्षसों चंड और मुंड को भेजा। अंबिका देवी ने चंड और मुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया। तब काली माता ने चंड और मुंड दोनों राक्षसों को मार दिया और इस तरह उन्हें चामुंडा के रूप में जाना जाने लगा। चंड और मुंड के संहार के बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्त बीज को भेजा। रक्त बीज एक अति पराक्रमी राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरेगी, वह बूंद एक बीज के रूप में काम करेगी, जिससे रक्त बीज जैसा पराक्रमी दानव पैदा हो जाएगा। युद्ध क्षेत्र में जब रक्त बीज का रक्त गिरते ही वहां पर बहुत सारे रक्त बीज उत्पन्न हो गए
जिससे देवताओं का भय और भी अधिक हो गया। देवताओं को अत्यंत भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करो। इस प्रकार रक्त बिंदुओं द्वारा उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरण करो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण के कारण अन्य दैत्य प्रकट नहीं होंगे। चंडिका देवी ने काली माँ से ऐसा कहने के बाद रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके गिरने के साथ ही काली देवी ने उसे अपने मुख में ले लिया। काली माँ के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको माँ ने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। उसके बाद देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड़ग आदि से मार डाला। माँ कालरात्रि आदि शक्ति का ही एक रूप है, जो दुष्टों का नाश करती हैं और क्रूरता को समाप्त कर देती हैं। वह अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु हैं और उनके जीवन से अंधकार को दूर करती हैं। आइए अब जानते हैं कालरात्रि माँ की पूजा विधि। नवरात्रि के सातवें दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ कालरात्रि का ध्यान करें। उसके पश्चात माता को पूरी श्रद्धा के साथ अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ का नैवेद्य चढ़ाएं। माँ कालरात्रि को रात की रानी का पुष्प अत्यंत प्रिय है। यदि संभव हो तो माँ को रात की रानी का पुष्प अर्पित करें। उसके बाद कालरात्रि माँ के मंत्रों का जाप करें तथा अंत में माँ कालरात्रि की आरती करें। माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है। यदि संभव हो तो महासप्तमी के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। ऐसा करने से माँ कालरात्रि प्रसन्न हो जाती हैं और सभी विपदाओं का नाश कर देती हैं। माँ कालरात्रि की प्रार्थना। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका करणी तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वाम पादोल्लास लोहा लता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। माँ कालरात्रि की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कालरात्रि माँ का ध्यान मंत्र। कराल वंदना घोरा मुक्त केशी चतुर्भुजाम, कालरात्रिम करालिंका दिव्याम विद्युतमाला विभूषिताम, दिव्यम लोह वज्र खड़ग वामो घोरदव करंभुजाम, अभ्यम वरदाम चैव दक्षिणोद्वाग पाणिकाम मम, महामेघ प्रभाम श्यामाम तक्षा चैव गदर्भरूढा, घोर दंश करालास्या पीनो नत्त पयोधराम, सुख प्रसन्न वदना स्मेरान सरोरुहाम, एवं सचियंत येत कालरात्रिं सर्व काम समृद्धाम। माँ कालरात्रि का स्रोत। हीम कालरात्रि श्रीम कराली च कली कल्याणी कलावती, काल माता कली दर्प धनी काम दिशा कुपांविता, काम बीज जपांदा कम बीज स्वरूपिणी, कुमतिघ्नी कुली निर्ति नाशिनी कुल कामिनी, क्लीम ह्रीम श्रीम मंत्र वर्णेन काल कंटक घातिनी, कृपामयी कृपाधरा कृपा पारा कृपागमा। माँ कालरात्रि का कवच। ओम क्लीम मे हृदयम पातु पादो श्री कालरात्रि, ललाटे स्ततम पातु तुष्ट ग्रह निवारिणी, रसनाम पातु कुमारी भैरवी चक्षुषोरभम, कटो पृष्ठे महेशानी कर्णो शंकर भामिनी, वर्जितानि तु स्थानाभि यानि चिक्वेच हि, तानि सर्वाणि मे देवी स्ततम पातु स्तंभिनी। माँ कालरात्रि की आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली,
दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा। खड़ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता है स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी, रक्त दंता और अनुपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना, ना कोई चिंता रहे ना बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट ना आवे। महाकाली माँ जिसको बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कहना, काल रात्रि माँ तेरी जय हो, काल रात्रि माँ तेरी जय हो। जयकारा महामाई का, बोल साचे दरबार की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में माँ का जयकारा अवश्य लगाएं। जय माता दी।